you are getting the top IIMs and what percentile fetches you what score in each section to get into top IIMs. So guys, ये सारे questions के बारे में आज के class में हम लोग चर्चा करेंगे. हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज की क्लास में. मैं आप लोगों को एक आइडियल ट्रेंड भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल रहा है और किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज द सेक्शन, दिस इज अ पर्टिकुलर सेशन विच इज कंडक्टेड बाय मी. वन सेक्शन कैन मेक और ब्रेक योर IIM चांसेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. द थ्री सेक्शंस. सो व्हाट आर द थ्री सेक्शंस? फर्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. टोटल 34 क्वेश्चंस यहां पर होंगे और आपको एक घंटे का समय मिलेगा. सो सेक्शनल टाइम लिमिट होता है कैट के एग्जामिनेशन में. टोटल देयर विल बी 34 क्वेश्चंस और 1 आवर का समय आपको मिलेगा. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, राइट? आउट ऑफ टोटल 34 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे आपके 24 एंड 10 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में, जिसमें लार्जली पैराग्राफ जंबल्स एंड पैरा कंप्लीशन एटसेट्रा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ये सारे क्वेश्चंस कहलाते हैं टीटा, TITA. टीटा क्वेश्चंस का मतलब टाइप इन डी आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसका मतलब इसमें आप लोगों को ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. वर्बल एबिलिटी में पैराग्राफ जंबल्स एंड अदर्स, इसमें आपको टीटा क्वेश्चंस मिलेंगे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 24 और ये सारे MCQs होंगे, 5 ऑप्शन वाले, राइट? वन ऑफ द ऑप्शंस वुड बी राइट. सो इसमें नो निगेटिव मार्किंग, राइट? नो निगेटिव मार्किंग. तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले इंश्योर करना है कि कैट के एग्जामिनेशन में वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है. एक घंटे बीतने के बाद आफ्टर 1 आवर यू विल बी गेटिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. द नेक्स्ट सेक्शन वुड बी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. सो गाइज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 32. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 32. 16 टिपिकली ऐसा बोला जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, 16 ऐसा बोला जाता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं. गाइज बट डेटा इंटरप्रिटेशन में भी लॉजिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसका मतलब लॉजिकल DI के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर. द थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी. आई एम सॉरी मैं कुछ लिख भी रहा हूँ इसके कारण से कोई गड़बड़ हो गई, बट कोई बात नहीं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज द थर्ड सेक्शन और यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे 34 क्वेश्चन एंड इन आउट ऑफ दीज 34 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आपको टीटा के मिलेंगे. मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन फर्स्ट विदाउट ऑप्शन, राइट? इसको आप लोगों को पहले अटेम्प्ट करना क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है. सो दीज आर दी थ्री सेक्शन गाइज एंड सेक्शनल टाइम लिमिट इसमें होता है. आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं. लेवल ऑफ डिफिकल्टी का ट्रेंड क्या रहा है विगत कुछ वर्षों में? VA एंड RC हैज ऑलवेज बीन मॉडरेट. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं, मॉडरेट रहा है. तो इस सेक्शन में अच्छा करने के लिए आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मास्टरी करनी पड़ेगी. मास्टरी करने के लिए जैसा कि आपके फैकल्टीज ने बताया, आपके टीचर्स ने बताया होगा, रेगुलर रीडिंग हैबिट, रेगुलर रिगरस रिलीजियस रीडिंग हैबिट, दैट्स द ओनली वे आउट. ठीक है, वही एक तरीका है. आप लोगों को रेगुलर रीडिंग की हैबिट में रहना है और क्रिटिकल रीडिंग करनी है. क्रिटिकल रीडिंग के सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों के क्लासेस में हमारे टॉप के फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुके हैं, तो उस पर बने रहिए. लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं. हमेशा से मॉडरेट टू टफ रहा है. ठीक है, बहुत ईजी नहीं लगता, हमेशा से ही मॉडरेट रहेगा या फिर टफ रहेगा. मान करके चलिए आउट ऑफ टोटल 32 क्वेश्चंस, ये मान करके चलिए कि तीन से चार सेट ऐसे रहेंगे जो मॉडरेट रहेंगे, बाकी के सेट्स थोड़े से टफ रहेंगे. टफ इन द सेंस उस पर्टिकुलर एक घंटे के टाइम लिमिट में आप उन क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे, राइट? सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में आइडेंटिफाइंग द राइट सेट्स, राइट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी. गाइज 2017 के क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो बड़ा ईजी रहा है. 2018 में क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत टफ हो गया था. इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी टफ हो गया था. और 2019 में जो क्वांटिटी एबिलिटी रहा है वो रहा है मॉडरेट लेवल का. अब ये इजी कब रहता है, मॉडरेट कब रहता है, डिफिकल्ट रहता है? गाइज अगर आपको इसको डिफिकल्ट बनाना है तो यहाँ पर ज्योमेट्री और अलजेब्रा के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं. वेल अरिथमेटिक बाई इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी टफ टॉपिक, राइट? तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो रहा है वो ईजी से टफ रहा है. तो किस तरीके से हम लोगों को मैनेजमेंट करना चाहिए, देखिए सेफ स्कोर फॉर टॉप IIMs की बात करते हैं. गाइज ये फिगर याद रख लीजिए, 85, 85, 85, 95. यानी कि हर सेक्शन में आपको 85, 85, 85 परसेंटाइल लेकर के आना है और 95 ओवरऑल प्लस परसेंटाइल लेकर के आना है. सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट यू गेट अ कॉल फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द IIMs. एक कम से कम एक IIM से आपको कॉल आया, इसके लिए आप लोगों को क्या इंश्योर करना है, 85, 85, 85, 95.
याद रखिए ये मैजिकल फिगर। अब कैसे इसको रियलाइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ओवरऑल परसेंटाइल वर्सेस अटेम्प्ट ट्रेंड। तो मैं आप लोगों को कुछ ओवरऑल परसेंटाइल वर्सेस अटेम्प्ट के ट्रेंड्स बता रहा हूं, एंड मैं बात करूंगा कितने परसेंटाइल ओवरऑल परसेंटाइल बनते हैं कितने अटेम्प्ट्स में। तो अगर आपने हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन बनाया, ओवरऑल 30 क्वेश्चंस बनाए हैं, राइट, ओवरऑल 30 क्वेश्चंस, और एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी, लेट 10% का मार्जिन लेकर के चल लेते हैं एक्यूरेसी में, दैट मींस आपने 3 क्वेश्चन गलत भी बनाए हैं तो भी आपका 80% ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। 90% के लिए आप लोगों को चाहिए 40 क्वेश्चन, इसका मतलब हर एक सेक्शन में आपको 13-13 क्वेश्चन बना करके आने। वेल, अगर लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपने 13 क्वेश्चन बना लिए, 13+ क्वेश्चन सही 90+% एक्यूरेसी के साथ, मान करके चलिए आपका 95+ आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, और 99+ के लिए आप लोगों को 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे विद अगेन 90% एक्यूरेसी, राइट। अब ये जो है जनरल ट्रेंड रहा है, जनरल ट्रेंड रहा है, इसका मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर बात ऐसा ही है, बट इसी के आसपास कुछ फिगर रहा है। तो एक अच्छा अप्रोच ये हो सकता है कि अगर आपने एक अच्छा अप्रोच ये हो सकता है कि आपको 30, 40 और 50 इन स्कोर्स को सोचना है, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सोचना है। फॉरगेट अबाउट द परसेंटाइल, परसेंटाइल के बारे में मत सोचिए, आप 30 क्वेश्चन अटेम्प करना, 40 क्वेश्चन अटेम्प करना, 50 क्वेश्चन अटेम्प करना, इस इन टर्म्स में सोचिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टर्म्स में सोचिए, राइट। अच्छा, सो दिस इज इट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू सी थ्रू योर स्कोर्स इन योर मॉक्स, जो भी मॉक्स आप अपीयर कर रहे हो उसमें आप अपने स्कोर्स को देख पाओगे, उसमें थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, एंड रिमेंबर दिस मैजिकल फिगर 85, 85, 85, 95। और ये ट्रेंड याद रखिए, ये ट्रेंड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन ट्रेंड्स को याद रखें और इसके हिसाब से आप मैनेज करें, ठीक है। बेसिकली अल्टीमेटली होता क्या है, आप लोगों को यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल रिजिड नहीं हो सकती, किसी भी डिस्कशन में कोई भी चीज रिजिड नहीं है, ये हम लोग ओवरऑल ट्रेंड बता सकते हैं, ओवरऑल पैटर्न बता सकते हैं, इसके आगे सोचना आपको है, करना आपको है, ठीक है गाइज। इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन मैसेज मी ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप। और गाइज, अगर आप कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी कुछ नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं एन अकेडमी लर्निंग ऐप में, मैं लॉन्च करूंगा, और कैट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, मेरा कोड यूज करिए, वील हैव अ रॉकिंग टाइम क्रैकिंग दी कैट टुगेदर। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, नमस्कार एंड शुक्रिया।